अभिनेता विकी कौशल और कैटरीना कैफ हाल ही में मालदीव से छुट्टियां मनाकर वापस लौटे हैं। मालदीव में मस्ती की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिन्हें फैंस का खूब प्यार भी मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच इस कपल की खुशियों में मुसीबतों ने दस्तक दे डाली। इसके बाद कपल मदद के लिए मुंबई पुलिस के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने कैट की इस परेशानी को किनारे कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल को सोशल मीडिया मंच के जरिए धमकी मिली है। इंस्टाग्राम पर एक अनजान शख्स ने कपल को धमकी दी है, जिसके बाद अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने धमकी देने के आरोप में मनविंदर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मनविंदर सिंह एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो लखनऊ का रहने वाला है। वो अपने आप को कैटरीना का फैन बताता है। उसका कैटरीना से शादी करने का इरादा था, इसलिए पिछले दिनों से ही कपल को सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा था। उसने कई बार राह चलते कैटरीना का पीछा करना भी पुलिस पूछताछ में कबूल किया है। क्या है पूरा मामला? बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में विक्की कौशल ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अपने मुखबिर तंत्र के साथ तकनीकी और खुफिया जानकारी के मदद से आरोपी तक जा पहुंची और समय रहते पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उधर धमकी की खबर सुनते ही स्टार्स के फैंस काफी परेशान हो गए। सभी अपने अपने तरीके से विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का हालचाल जानने लगे, साथ ही उनकी सलामती की दुआ भी करने लगे। सोशल मीडिया पर मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। किसी बीच मुंबई पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। विक्की और कैटरीना ने पिछले साल की थी शादी। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दिसंबर 2021 में राजस्थान में शादी की थी। इस शादी में सिर्फ करीबी गेस्ट ही शामिल हुए थे। विक्की और कैटरीना ने अभी तक किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। ऐसे में फैंस दोनों को साथ एक फिल्म में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में सितारों को मौत की धमकी देना और फिरौती के लिए कॉल आना कोई असामान्य बात नहीं है। इससे पहले हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को भी मौत की धमकी का पत्र मिला था। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेकर मुंबई पुलिस ने विक्की और कैटरीना को धमकी देने वाले शख्स को बिना वक्त गवाए गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।